उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के साथ साथ आम जनता में भी उत्साह दिख रहा है। प्रत्याशियों की बात करें तो वो जनता से जुड़ने के साथ साथ जनता का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में मेरठ के वार्ड संख्या 65 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी युवा नेता मोहम्मद हसीन भी क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर उनके समस्याओं को जान सुन रहे हैं। जनता भी युवा नेता मोहम्मद हसीन को पसंद कर रही है और उनके भीतर भविष्य के एक बड़े नेता को उभरते देख रही है। आपको बता दें कि मोहम्मद हसीन पिछले 10 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और हर छोटी बड़ी परेशानियों में जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। जनता उन्हें एक अच्छे नेता के रूप में देखती है। इसी कड़ी में आज उन्होंने मेरठ के वार्ड संख्या 65 के अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र की जनता से मिलकर वार्ड से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने जनता से बात भी किया और जनता से अपनी जीत के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर हसीन के साथ भारी संख्या में उनके समर्थक रहे। पूरे बैंड बाजों के साथ एक यात्रा निकाली गई जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए और उत्साह के साथ मोहम्मद हसीन का प्रोत्साहन किया। मोहम्मद हसीन के साथ वार्ड का हर युवा और साथ ही बच्चे बुजुर्ग भी उनके समर्थन में दिख रहे हैं। इन सभी में मोहम्मद हसीन को लेकर एक अलग ही उत्साह है। वहीं वार्ड के कुछ लोग इस बार चुनाव में मोहम्मद हसीन की जीत पक्की बता रहे हैं। मेरठ से संवाददाता शादाब मलिक की रिपोर्ट।